एनवायरनमेंट था, एक डिफरेंट, एक सिविल वॉर का फियर था, एक कॉन्फ्लिक्ट था. सारे म्यूट नहीं है, आई गेस ऑल ऑफ देम आर म्यूट. और उसकी एक पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर उसकी जो थ्योरी थी जो वहाँ पे दी गई. अच्छा, उस थ्योरी के अंदर बेसिकली वो ह्यूमन नेचर से स्टार्ट करता है और वो कहता है ह्यूमन नेचर जो इंसान की है दैट इज़ सेल्फिश, दैट इज़ ब्रूटल, वायलेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और उसी नहीं ऊपर वही अनम्यूट कर दें बोला नहीं वो जो ठीक है. अच्छा, तो उन्होंने हाफ ने कहा था ये ह्यूमन नेचर जो है वो सेल्फिश है, ब्रूटल है, वायलेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और उसी बुनियाद पे वो स्टेट ऑफ नेचर की तरफ जाता है और वो कहता है कि जो एंशियंट टाइम्स पे, प्रिमिटिव टाइम्स पे जो इंसान मौजूद थे, द पीपल हु वर देयर इन द प्रिमिटिव टाइम्स, द फर्स्ट पीपल हु केम ऑन दिस प्लैनेट, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दे लिव्ड. सो बिकॉज बिकॉज दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ नेचर वॉज द टाइम जब एक एंशियंट टाइम है, एक ओल्ड टाइम्स है, और उस टाइम्स के ऊपर जब लोग आए तो लोगों की नेचर क्या थी, लोगों की नेचर जो हमने पहले बयान की दैट द पीपल वर बाय नेचर सेल्फिश, ब्रूटल, वायलेंट एक्सेट्रा. देयरफॉर जब वो यहाँ पे दुनिया में आए इस प्लैनेट के अंदर तो दे स्टार्टेड फाइटिंग ईच अदर. ईच वन हैड द लस्ट ऑफ पावर एंड ग्लोरी एंड ईच वन ट्राइड टू क्रिएट हिज हेजमनी एंड ईच वन ट्राइंग टू कैप्चर एंड किल एंड इंजर यूर एवरीबडी बिकॉज एवरीबडी वॉज यूर राइवल एंड एनिमी. And there was chaos, anarchy, violence, life was short, nasty, brutal, etc., etc. Uncertainty ka element tha, fear tha har taraf. As a result of which, people got fed up of this life and they ultimately have to go and find some kind of solution to that problem. And they thought that the best solution is to have a contract. Unko ek contract karna pada aur wo jo contract tha, that was done by the people among each other. और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लोगों ने फिर कुछ लफ्स बोले जिसका जिक्र मैंने लास्ट क्लास में किया था एंड दे सरेंडर्ड इन दैट कॉन्ट्रैक्ट. कम साइज सरेंडर करते हैं एक बंदे को, एक पावरफुल बंदे को या एक ग्रुप ऑफ जो पीपल है उसको हम सरेंडर करते हैं अपने सारे के सारे राइट्स. और एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जिसको हम कहते हैं एक सावरन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ. यू सरेंडर ऑल योर राइट्स टू समबडी, यू गिव ऑल द पावर्स ओवर योर सेल्फ टू समबडी एंड दैट्स व्हाट वी कॉल द सावरन कॉन्सेप्ट. So, sovereignty was created, master was created, chahe wo individual ho ya council ho, somehow that was the case. But wo individual ho ya council ho, that was not representing the public. He was ruling the public. Wo unko represent nahi kiya tha, logon ne elect nahi kiya tha usse, logon ne usko surrender kiya tha, chahe banda ho ya assembly ho. Ultimately, ji, uska impact kya nikla? The impact was that हम उसको फिर हमने कहा कुछ फीचर्स हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के, उनमें से हमने पहला पॉइंट उठाया कि स्टेट क्रिएट हो गई और वो स्टेट जो थी वो आर्टिफिशियल थी बिकॉज स्टेट इसलिए क्रिएट हो गई, एक सावरन बन गया, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज कम्युनिटी बन गई और एक सावरन बन गया जो कि एक रूलर था, मुनार्क था या असेंबली ऑफ मैन थे. एंड देन वी सेड इट्स अ आर्टिफिशियल स्टेट, आर्टिफिशियल स्टेट है, मैन मेड है. फिर हमने कहा कि इट्स अ अनकंडीशनल सरेंडर. फिर हमने कहा कि जो सावरन होगा वो वन पर्सन या मल्टीपल पर्सन होंगे, काउंसिल होगा. और फिर साथ ही उसके अंदर हमने बात की कि उसके अंदर कुछ और भी, जैसे इट वाज अ काइंड ऑफ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, उसकी बात की गई. और आखिर में हमने कहा इट इज़ इरिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट. ये इरिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि रिवोक नहीं हो सकता. तो हमने आखिर में उसको रिलेट किया उसकी टाइम्स के साथ और हमने कहा कि जो अगर हम इसको यूज़ करें हाब्स के टाइम पे थ्रू दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यूजिंग दिस लॉजिक, यूजिंग दिस हिस्टोरिकल इंटरप्रेटिव लॉजिक, Hobbes tried to justify the absolute powers of the king, Leviathan. And that is why we believe that uski jo theory hai, it is different from the traditional royalists, because traditional royalists were supporting the king through the lens of the divine right, while Hobbes supported the king from an unconventional historical, interpretive, logical way, and this is how he is different. सो एक जुमला अगर मैं आपसे पूछूं, मैं गर्म आपके सवाल पे आ रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं क्या हाब्स की थ्योरी को थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं आप या इट इज अ थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स? इट इज नॉट अ थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी जी, इट अ थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स या पावर रिलेटेड थ्योरी है, अथॉरिटेरियनिज्म को प्रमोट करने वाली थ्योरी है. दैट्स द पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड.
अच्छा अगर भाई आपका सवाल था, देर आर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट दैट हॉब्स प्रपोज, देर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट डिफरेंट एंगल प्रपोज, हम नहीं करेंगे, हम उसको सिर्फ एक एंगल में देखेंगे और वो एंगल होगा उसकी ओनली विल रिलेट अ पर्टिकुलर थ्योरी जो जिसकी वो बात कर रहे होते हैं सर. ओके शुड वी स्टार्ट नाउ, लेक्चर स्टार्ट कर लें, आई गेस मोस्टली बच्चे आगे होंगे. ओके ग्रेट. अथॉरिटेरियन स्टेट वो होती है जी जिसमें सारी अथॉरिटी एक बंदे के पास होती है, अथॉरिटेरियन स्टेट कहते हैं. एक बंदे के पास या एक इंस्टीट्यूशन के पास होती है, एक ग्रुप के पास सारा पावर हो उसको अथॉरिटेरियन रिजीम कहते हैं. मोनार्की वो होती है जिसके अंदर हेड ऑफ द स्टेट इज चोजन ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटरी प्रिंसिपल्स. हेरिडिटरी प्रिंसिपल्स में विरासत बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा रूलर बनता जाता है, इसको हम कहते हैं बादशाह, उसका बेटा, उसका बेटा सोदरीबिया जैसे है, उसको मोनार्की कहते हैं. मोनार्की में हेड ऑफ द स्टेट अलग कैसे होता है, अथॉरिटेरियनिज्म में पावर किसके पास होती है, ये बेसिक डिफरेंस है. ओके लेट्स मूव जी, हम चलते हैं जॉन लॉक के ऊपर. थैंक यू. जॉन लॉक नहीं छुना तो नहीं पानी नहीं ठीक है. जॉन लॉक वॉज बॉर्न इन 1632 एंड ही डाइड इन 1704. डेट ऑफ बर्थ में फिर भूल जाऊंगा शायद, जरा चेक कर लीजिएगा. नहीं नहीं आप नहीं, आप अच्छा आसान रेलिवेंसी नहीं करनी, नहीं करनी. ओके जॉन लॉक की थ्योरी के ऊपर जाते हैं जी. जॉन लॉक की जो थ्योरी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. कंपैरिजन में सवाल आता है बट कंपैरिजन के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा कैसे करना है. जॉन लॉक वाज बोर्न इन, इसकी बायोग्राफी से स्टार्ट करेंगे. ही वाज बोर्न इन इंग्लैंड, वो भी इंग्लैंड में पैदा हुआ था. हिज फादर वाज एन अटॉर्नी, उसके फादर एक लॉयर थे, वकील थे. एंड ही वाज ही बिलोंग टू अ वेल ऑफ फैमिली, फाइनेंशियली वेल्दी फैमिली थी, लैंड ओनिंग फैमिली थी, दे वर रिच इन देयर फॉर्चून. सो लॉक वॉज बॉर्न विद वेरी गुड फाइनेंशियल कंडीशंस. हिज फादर टॉट हिम फ्रॉम द हाइएस्ट इंस्टीट्यूशन एट दैट टाइम. ही टॉट हिम द बेसिक साइंस एंड बेसिक फिलोसफीज एंड ऑल दैट. लेटर ऑन लॉक वॉज एनरोल्ड इन मेडिसिन एट ऑक्सफोर्ड. बाद में उसको मेडिसिन में, यानी डॉक्टरी जिसको हम मॉडर्न में MBBS कह लें, पाकिस्तान में जो भी कह लें, बट ही गॉट इन्वॉल्व्ड इन टू मेडिसिन. ही एनरोल्ड एज एन स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन इन ऑक्सफोर्ड, जहाँ पे उसने अपनी मेडिसिन के अंदर बैचलर्स कंप्लीट किया. ही डिड हिज डिग्री इन मेडिसिन एंड देन ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ फिजिशियन, एज अ डॉक्टर उसने ऑक्सफोर्ड में ही काम करना शुरू कर दिया. सो ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई द फिलोसॉफिकल डिबेट्स, बट ही बाई प्रोफेशन ही वॉज अ डॉक्टर. And as a doctor, he met with somebody which had a profound impact on his life. And as a doctor, he met with his patient. Aur uske patient ka jo naam tha, it was Ashley Cooper. Ashley Cooper was the name of that patient who became his lifelong friend. एशले कूपर का बाज किताबों में शायद आपने पढ़ा हो तो टाइटल भी लिखा होगा, अर्ल ऑफ शॉफ्टसबरी कूपर, यस CWPER. और इसको टाइटल अर्ल ऑफ शॉफ्टसबरी भी कहते हैं आप, लेकिन नाम उसका जो है वो एशले कूपर है. दिस एशले कूपर वॉज दी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द विग्स पार्टी. गूगल करेंगे मिल जाएगा साजिद, अर्ल ऑफ शॉफ्टसबरी, SHAFTSBURY, शॉफ्टसबरी. अच्छा ये टाइटल था उसका, बात क्या कर रहा था. हाँ ही वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ विग्स पार्टी, ये बड़ी पॉइंट है. नजर नहीं आ रहा जी, वो डॉक्टर मेहरा लिखी हुई नजर नहीं आ रही कहीं पे, तो आई डोंट नो वो कैसे ऐड करें. विग्स पार्टी जो है दैट वॉज मुझे नजर आ रहा है, मैं सीख सॉरी कमेंट कर लेता हूँ बीच में.
विक्स पार्टी का फाउंडर था, मैं इस डिटेल में बाद में आऊँगा विक्स पार्टी क्या थी और वो सारी चीज़ें क्या थी, नहीं इस पर बाद में आऊँगा। अच्छा यस, आप कह सकते अली रिपब्लिकन पार्टी से था, रिपब्लिकन पार्टी नहीं मतलब रिपब्लिकन था पार्लियामेंट की पावर की वजह से। एनीवे विद हिम लॉक गॉट इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, ही स्टार्टेड टेकिंग पार्ट इन एक्टिव पॉलिटिक्स एंड ही स्टार्टेड राइटिंग ऑन पॉलिटिकल फिलोसफी, वो लिखता रहा पॉलिटिकल फिलोसफी के वजह से, ही रोट डिफरेंट वर्क्स ऑन इट। जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है लॉक की पॉलिटिक्स के वजह से, दैट इज कॉल्ड द फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट भी कहते हैं और ट्रीटाइज भी कहते हैं। देयर वर टू ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट, फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट या ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट, दोनों टर्म जो है वो यूज कर सकते हैं। दो थी तो ट्रीटाइजेस करेंगे या फ्रेगमेंट्स करेंगे, वन एंड सेकेंड इस हवाले से नाम देता हूं। नाउ दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स दैट ही रोट, पेपर में अक्सर सवाल आ जाता है ट्रीटाइज के वंस, सॉरी जी ये माइक गिर गया तुम्हें। अब ठीक है, सो ही रोट दैट ट्रीटाइज ऑन द गवर्नमेंट और फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क दैट ही हैड, ही लिव्ड अप टू 1704, सॉरी जी दो सेपरेट बुक्स हैं एग्जैक्टली, बट कंटिन्यूशन ऑफ एक जो है वो दूसरी की कंटिन्यूशन है। मार्केट बड़ा क्लियर है वैस, मार्केट बड़ा क्लियर है, बाकी को नजर आ रहे हैं? अच्छा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं, हाँ ये कर लेते हैं, ओके ठीक हो गया। टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट जी ये है, अब फॉन्ट को कर लो जी। एक्चुअली वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द विक्स पार्टी। ओके नाउ बायोग्राफी क्लियर है, तीन टेकअवेज याद रख लीजिएगा, डॉक्टर था याद रख लीजिएगा, अमीर था आप, डॉक्टर था अमीर था, विक्स पार्टी का जो फाउंडर था उसका फ्रेंड था, वो उसका दोस्त है, और उसकी किताबों के नाम फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट या ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट, दैट्स इट। दो थी तो इसलिए ट्रीटाइजेस का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, ट्रीटाइज वन ट्रीटाइज टू, तो दो ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, इज इट क्लियर? लेट्स सी व्हाई ही रोट व्हाट ही रोट, कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये फॉन्ट ठीक है? नहीं नहीं टोटल दो ही बुक्स हुई साजिद, या ट्रीटाइज कहेंगे या फ्रेगमेंट्स कहेंगे। कॉन्टेक्स्ट, अभी हमने बायोग्राफी की जी, ज्यादा पढ़ नहीं है बायोग्राफी, आप पढ़ लीजिए बस एक दम रख लें कि उसके जो डॉक्टर था उसका दोस्त था विक्स पार्टी का एशले कूपर, और उसकी किताब का नाम है फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। कॉन्टेक्स्ट, अच्छा कॉन्टेक्स्ट से पहले उसकी थ्योरी, तो जॉन लॉक की कौन सी थ्योरी पे सवाल आता है, व्हाट इज द थ्योरी दैट इज आस्क्ड इन एग्जाम, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो आपके कोर्स में एग्जाम में सवाल आता है, लेट्स बिगिन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। बट थ्योरी से पहले हम देखना चाह रहे हैं उसने क्यों थ्योरी दी, आपने तो दी बिकॉज फियर था। लॉक का जो कॉन्टेक्स्ट है अगेन वो इंग्लैंड की कंडीशंस है, कंडीशंस इन इंग्लैंड एट दैट टाइम। अच्छा आप में से कुछ लोगों ने अगर किताब जाके पढ़ी हो घर में या कोई टॉपिक पढ़ा हो, तो मैंने हाफ की दफा कहा था फियर था सिविल वॉर का, तो क्या अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो तो सिविल वॉर हुई थी कि नहीं हुई थी, फिर वो फियर मेटेलाइज हुआ था या नहीं, एनीबॉडी? जी एग्जैक्टली अनवा हुई थी जी, नहीं ग्लोरियस रिवॉल्यूशन बहुत बाद में आया था, अरे ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन बाद की बात है, उससे पहले वार हुई थी 1642 में, 1642 से लेकर 1642 से लेकर 1651 तक वार्स हुई थी, दैट सिविल वॉर डिड ब्रोक आउट बिटवीन द टू। मुझे ये नहीं पता समय कितने लोग मरे थे, बट समहाउ इट डिड हैपन एट दैट टाइम। आई डोंट नो व्हाट वेदर इट्स कॉल्ड वॉर ऑफ रोजेज आर नॉट, मुझे इसका टाइटल नहीं पता, बट दैट सिविल वॉर डिड ब्रोक आउट विद इन
England from 1648 to 1651. Yes, it's called civil war. अच्छा, जब लॉक पैदा हुआ उसके 10 साल बाद सिविल वॉर हुई थी, स्टार्ट हुई थी, और एट दैट टाइम वो फिर एक प्रोसेस चलता रहा समहाउ एक 9 ईयर तक डिफरेंट इंटरमिटेंट वॉर्स थी, डिफरेंट वॉर्स होती रही, और उस वॉर के दौरान, उस वॉर के बाद, और लॉक का बचपन है, लॉक की अर्ली एज है, इंटरेस्टिंगली इन दैट वॉर दैट ब्रोक आउट Locke's father and mother participated and fought on the side of Republicans. जो Locke का बाप था, उसकी माँ थी, they both fought on the sides of the Republicans. So बच्चा के साथ थे या Parliament के साथ थे? On whose side his parents were? Parliament. They were against the king. As a result of that war, monarchy was there, but it got significantly weakened. And since the end of the war, England was at peace. So Locke was living at a time when he grew at an age jab England ke andar relative peace tha, there was relative stability, the fear was over, the monarchy was weakened, although not abolished, it was still there, but it was weakened. मैं इस तरह का लफ्ज़ यूज़ तो नहीं करूंगा, बट इट वॉज नॉट द बर्थ ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. आप स्ट्रॉन्ग के बजाय आप ये कहें इट वॉज बर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, दैट विल बी मोर एप्रोप्रिएट. सो मोनार्की की जो पावर थी वो कम कर दी गई, पार्लियामेंट स्टार्टेड ग्रेजुअली ग्रोइंग इन पावर्स, ग्रो बहुत स्लोली, इसका मतलब नहीं था कि अचानक से सारी पावर्स आ गई, ग्रोजली इट वॉज ग्रोइंग इन पावर्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टली देर वॉज पीस इन इंग्लैंड, रिलेटिव पीस इन इंग्लैंड. नाउ उस वक्त इंग्लैंड के अंदर सिविल वॉर जब हुई तो उसके बाद 10 साल की उम्र थी लॉक की, और सून आफ्टर सिविल वॉर देयर वाज पीस इन इंग्लैंड, रिलेटिव पीस इन इंग्लैंड, एंड द पार्लियामेंट वाज ग्रोइंग इन पावर्स, मोनार्की पावर वर बीइंग रिड्यूस्ड. सो जो लॉक था उसके टाइम में हम कह सकते हैं ही विटनेस पीस, नॉट द फियर दैट हॉब्स ग्रू विद. और ऑब्वियसली यहां पे फॉरेन इन्वेजन का खतरा भी नहीं था. It was in this context that he met with his friend whose name was Ashley Cooper. Ab parents bhi Republicans hain, uska friend bhi Republican hai, and he himself is a doctor. Agar he himself is a doctor, to mera aapse sawal hai, will he be a person of the divine believer, or he would be a person who would be influenced by the enlightenment? Science ka banda hoga na, doctor hai, aur Sherlock ka father science tha, scientist tha, तो उसने पोलिटिकल साइंस बना दी, इसका तो फिर खुद डॉक्टर है सॉर्ट ऑफ. सो वी अज्यूम कि जो डॉक्टर्स हैं, इसी तो हमारे इलाके में भी क्या होता है, अगर हमारे एरिया में जनरली कोई डॉक्टर हो और वो सुपरस्टिशन में बिलीव कर रहा हो तो कहते हैं तुम डॉक्टर हो, कैसा कह रहे हो, दैट्स अ काइंड ऑफ आइडिया. सो डॉक्टर्स आर सपोज टू बी मोर रैशनल, दे आर सपोज टू बी मोर साइंटिफिक एंड डॉक्टर. ये हम एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं जी, मुझे नहीं पता ऐसा होता नहीं होता, बट समहाउ. सो इंग्लैंड के अंदर जो कंडीशन थी, तीन डेवलपमेंट थे. एक, he himself was a believer in rationality. Secondly, there was relative peace in England. And thirdly, his parents and his friend, they all were Republicans. Engineers ke bare mein no comments so much. Rationality, he himself was believing in rationality. There was peace in England, and his parents as well as his friend Ashley Cooper, they were the supportive of the Republicans, as a result of which the John Locke produced his social conduct theory to justify the powers of the king. Therefore, the social conduct theory was produced to justify the powers of the parliament, and to justify the rejection of Hobbes theory. जो Hobbes का idea था कि बच्चा के पास power होनी चाहिए, and he constructed a rational argument that was rejected by Locke through his social contract, and his social contract was meant to justify the powers of the parliament in England. देखे ना, बढ़िया basic थी logic, कोई इसमें science तो है ही नहीं.
उसका बाप रिपब्लिकन की खातर जंग लड़ता रहा, पेरेंट्स उसके, उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका जो फ्रेंड था विक्स पार्टी का फाउंडर है, अगर उसका फ्रेंड विक्स पार्टी का फाउंडर है, पार्टी का है, तो पार्लियामेंट से होगा, पार्लियामेंटेरियन होगा, रिपब्लिकन होगा, और उसके पेरेंट्स पार्लियामेंट की खातर लड़ते रहे, तो लॉक की सिंपथीज किसकी साइड पे होंगी? ऑन हूज साइड विल ही बी? पार्लियामेंट, रिपब्लिकन पार्लियामेंट की साइड पे होगा, लॉजिक सी बात है। अम्माबा की पार्टी, एग्जैक्टली, जो अम्माबा की पार्टी है वही उसकी पार्टी है सर। बट ऑब्वियसली नॉट बिकॉज हिज अम्माबा सेड दैट, बट बिकॉज ही हिमसेल्फ एक्चुअली डेवलप्ड अ थ्योरी टू जस्टिफाई दी, आप भी थ्योरी दे दें पीटीए को सपोर्ट करने की या पीएमएलएन को सपोर्ट करने की, बट ही प्रोवाइडेड अ थ्योरी इन विच ही कुड सपोर्ट द आइडिया ऑफ द पार्लियामेंट सुप्रीमेसी, ही कुड सपोर्ट द आइडिया दैट पार्लियामेंट शुड हैव ऑल द पावर्स एंड किंग शुड नॉट हैव ऑल द पावर्स। दिस इज वाई, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉक। चलिए मैं इस सवाल को रिवर्स करता हूँ कॉन्टेक्स्ट को। अगर लॉक के जमाने में फियर होता, उसके पेरेंट्स रिपब्लिकन की तरफ से ना लड़े होते, उसका दोस्त विक्स पार्टी का ना होता, तो क्या उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी यही होती? He would have supported Hobbes, exactly. So इसका मतलब ये हुआ, हाँ अगर डॉक्टर भी ना होता, exactly, priest होता था फिर, absolutely. So his theory was given to justify the supremacy of the parliament. इकरा, absolutely that's true. His parents were, आप ठीक कह रहे हैं, but एक फैक्टर नहीं होता ना, मल्टीपल फैक्टर्स एक्चुअली क्रिएटेड अ कंडीशन इन विच ही रोट इन डिफेंस ऑफ द रिपब्लिकन्स। किसी एक की बात नहीं कर रहे, मल्टीपल कंडीशंस थी दैट प्लेड एन इंटरएक्टिव रोल एंड अल्टीमेटली हैव एन इंपैक्ट ऑन दैट। एक फैक्टर को हम नहीं कह सकते, ट्रू। ओके, लेट्स गो टू द थ्योरी जी, आप जरा थ्योरी पे जाते हैं। लॉक बिगिंस हिज थ्योरी बाय एक्सप्लेनिंग ह्यूमन नेचर। Locke begins, नहीं साजिद, पीस, लेट हिम थिंक अबाउट डेमोक्रेसी, पीस का लिंक अभी यहां से आएगा, उससे लिंक नहीं आएगा, पीस का लिंक अभी इसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कैसे आते हैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। Locke begins his theory of social contract from by explaining the human nature. According to John Locke, man by nature is essentially good, he is cooperative, he is positive, he is peaceful, caring, loving, etc. Man is all good as per John Locke. Caring hai, exactly Hobbes ka opposite kar dein, it's exactly opposite to Hobbes. Hobbes was mean, cunning, deceptive, lustful, greedy, जो भी कह रहे हैं, यहां पे मैन बाय नेचर इज कोऑपरेटिव, केयरिंग, सॉर्ट ऑफ इज लाइक ऑल गुड, ही हैज अ ऑप्टिमिस्ट व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। एग्जैक्टली, ही हैड अ पॉजिटिव व्यू एंड ऑप्टिमिस्ट व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर जी, दैट मैन इज एसेंशियली वेरी कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव एंड ऑल दैट, सो इज ऑल गुड, परफेक्ट ऑप्टिमिस्ट व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। स्टेट ऑफ नेचर, पहले तो बताएं स्टेट ऑफ नेचर कैसे कहते हैं, व्हाट डज इट मीन बाई स्टेट ऑफ नेचर? ये लफ्ज आप भूल जाएंगे इसलिए पूछो। हालात, कंडीशंस, यस एग्जैक्टली मीर हमजा, कंडीशंस, सर्कमस्टांसेस, किस जमाने की सर्कमस्टांसेस की बात हो रही है? At what time, what is the time that we are talking of? Ancient times, नहीं, civil war नहीं, ancient times पे, 17th century की बात भी नहीं हो रही, नहीं, present reality की बात भी नहीं हो रही, it is the time of the, where जब state नहीं थी, जब दुनिया में नए नए इंसान आए थे, at that time, state of nature, originally, when man landed on this, आपने से कल किसी ने मूवी देखी है, 300 season, sorry,
बिल्कुल नए नए इंसान तारीख में जब आते हैं. दैट वॉज द टाइम वैन जब इस तरह के लोग थे, वैन दीज काइंड ऑफ पीपल्स वर देयर, सारे अच्छे लोग थे. तो स्टेट ऑफ नेचर में किस तरह की कंडीशन होगी, वट टाइप ऑफ लाइफ वुड बी एट दैट टाइम. तो आपको क्या इमेजिनेशन आती है क्या हो रहा होगा. Life was peaceful. Life was, there was peace, they were happy, there was tranquility, there was harmony. Har taraf sukoon chain tha sort of. It was a time when man was contented, man was happy, man was satisfied, he was social. He had interacted with each other. They had interacted with each other. They had a kind of फिर देखिए क्वेश्चन यही आपका सवाल आ रहा है. अब ये अगर इंसान अच्छे हैं, इफ मैन इज गुड बाय नेचर, तो फिर स्टेट ऑफ नेचर में लड़ेंगे क्यों. नो फाइनल सरप्लसेस, नो कंसर्न प्राइवेट प्रॉपर्टी एट दैट टाइम. they had the property, I'm not, they had the concept of property. Property ka concept tha. It's a utopian idea. Everything was smooth, everything was good, everything was perfect, and they had a very very cordial relationship with the other people. Man was social, he interacted with others, he cooperated with others, he had a positive view of others. Life certain hogi ya uncertain hogi agar aapse puchu. Life would be short or long? Long. Life was certain, life was long. Khushi khushi rehte the, khush rehte. Why we talk about tension theory? Sab aap course mein hai isliye, CSS pass karna hai isliye padh rahe. Simple. Nahi hogi tum kyun padh rahe hote ab isi baat. So the point is वो कहता है कि जब इंसान नए नए आए थे तो अच्छे इंसान थे और इसलिए पीसफुल एनवायरनमेंट था सारों का सारा. अच्छा मैं समझ इसको लिंक करूंगा, आपका सवाल भी समझ आ रहा है, मैं इसको भी लिंक कर रहा हूं. नाउ इफ एवरीथिंग वाज गुड, इफ एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, देन व्हाट हैपेंड, व्हाई. अच्छा यहां पे मैंने आई डोंट नो, मुझे जरा प्लीज याद करवाइएगा, डिड आई एक्सप्लेन टू यू यस्टरडे अबाउट अ टर्म प्री पॉलिटिकल एंड प्री सोशल स्टेट ऑफ नेचर. आई गेस वी डिड. ओके नहीं चले, मैं आज की बात करता हूं फिर कल पे ऐड कीजिएगा प्लीज. लेकिन मेरा ख्याल मैंने किया था, लेकिन मैं अभी बताता हूँ. अच्छा हाब्स की स्टेट ऑफ लॉ की स्टेट ऑफ नेचर में जब लोग सारे हंसी खुशी ठीक ठाक गुजार रहे थे, एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन, वर दे पोलिटिकली ऑर्गेनाइज. अच्छा आप पहले तो ये बताएं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते किसे हैं. आप सारे नो यस कर ही जा रहे हैं, पहले बताएं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं. ये पॉलिटिकल साइंस का बच्चा बता सकता है, बाकी नहीं बता सकते. सुकून कब्र में साजिद नहीं है, सुकून नहीं. कॉन्टेक्ट से पहले वर देर एनी पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, वर देर एनी लॉज. एग्जैक्टली इकरा, एब्सोल्युटली. मैं इसको आसान तरीके कर लेता हूँ जी, सुनिएगा प्लीज. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है क्या पावर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड थी. वाज देयर एनीबॉडी हु वुड डिक्टेट देम एंड दे वुड हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स. वाज देयर समवन हु हैज मोर पावर्स देन अदर्स. वाज देयर एनीबॉडी हु वुड कमांड एंड अदर्स विल ओबे. कोई लॉ था कि लॉ में इसको अथॉरिटी है इसको नहीं है. तो इट वॉज नॉट द केस. ट्राइबल लीडर्स यस, बट यहां पर ट्राइबल लीडर्स की बात नहीं हो रही. Tribals नहीं थे, there were one people. There was no law and no law means nobody had the authority to enforce the law, nobody had the authority to make the law. So everybody would. इसका मतलब ये जो society थी इसमें political organization नहीं है, power की vertical distribution नहीं था. It was horizontal equality. If it was horizontal equality, no vertical authority, that is called, तो इसको हम कहते हैं state of nature was pre-political. Politically organized नहीं थी. They lacked any political organizations. No hierarchy of powers, Asad. Absolutely, that will be the best word.
नो हेरार्की ऑफ पावर, दैट इज व्हाट ही अज्यूम्ड. सेकेंड चीज, वो जो लोग थे, डिड दे हैव अ सोसाइटी? मैं उम्र इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा. डिड दे हैव सोसाइटी? आप सोसाइटी किसे कहते हैं? बड़ा आसान तरीन डेफिनेशन है जी, वो ग्रुप ऑफ पीपल, दोज ग्रुप ऑफ पीपल हु डेवलप कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज. व्हेन द पीपल लिव एट वन पर्टिकुलर प्लेस, हैविंग कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज इज कॉल्ड सोसाइटी. अच्छा, नॉर्म्स और वैल्यूज क्या होती है? What does it mean by norms? मतलब क्या है इसका? Example ना दीजिएगा, सच बताना. Rules, exactly. अच्छा, rules, अखलाकियात तो नहीं कहेंगे, standards का लफ्ज़ ज़्यादा appropriate हो जाएगा. अच्छा, set standards. Standards क्या होते हैं? मैं simplest of definition. Norm is that yardstick that distinguishes between good and bad. Do's and don'ts are absolutely, absolutely. What is good and what is bad? Not accepted by all. That standard is accepted by all. This is good and this is bad. You develop a yardstick to distinguish between what is good and what is bad. Do's क्या कर सकते हैं? Don'ts क्या हैं? जब ये society मिलकर ये norm, ये चीज develop कर लेती है, तो कहते हैं हम ये norms आ गई. Society वो group of people है who have common values of good and bad. जैसे हमारे माशरे में एक ख़ास किस्म का एक्शन अगर मना हो और किसी और सोसाइटी में अलाउ हो, तो हम कहते हैं कि हमारी वैल्यूज़ डिफरेंट है. इट्स सिंपल. हमारा हमारे लिए वो एक्सेप्टेबल हो, दूसरों के लिए एक्सेप्टेबल ना हो, तो वो जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं. हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारी वैल्यूज़ डिफरेंट हो जाती हैं. सो सोसाइटी के अंदर कामन वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है, और वैल्यूज से मतलब है कामन सेंस ऑफ गुड एंड बैड का होना ज़रूरी है. नाउ यहाँ पर सवाल ये है, जो लॉ की सिर्फ नेचर है, डिड पीपल हैव दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड बैड? इस बात से आपको क्या लगता है? यस, देयर वाज अ सोसाइटी. क्यों देयर वाज सोसाइटी? बिकॉज मैंने कहा लोग सारे एक दूसरे से अच्छा ही कर रहे थे. वर दे डूइंग एनीथिंग बैड? नो, दे वर सोशली ऑर्गेनाइज्ड. दे वर सोशली ऑर्गेनाइज्ड. They had values that they followed. They avoided the bad things to each other and they did good things to each other. Norms and values, they dictate good and bad. And that norms and values pushed people to do the good and avoid the bad. So, uski jo state of nature hai, that was social. Jahan achhe bure ki sense ho, jahan achhe bure ki sense ho, aur log us achhe burai ko standard mane, that's called society. And According to John Locke, उसकी जो state of nature है वो politically organized तो नहीं थी, but socially organized थी. So it was pre-political but not pre-social. His state of nature was pre-political, political organization तो नहीं थी, but it was pre-social. That's what is the Locke state of nature. समझ आ गई जी? आगे चलें? Should we move? ओके, नाउ मैंने हॉब्स की दफा नहीं एक्सप्लेन किया था, तो अगर मैं आपसे पूछूं हॉब्स की स्टेट ऑफ नेचर में, मैं उसी पे लगाऊं, मुझे लास्ट क्लास में हॉब्स की स्टेट ऑफ नेचर में, वाज इट स्टेट ऑफ नेचर प्री पॉलिटिकल थी या नहीं थी? वाज इट पॉलिटिकल और नॉट? इट वाज नॉट पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड, मींस इट वाज प्री पॉलिटिकल. देखे ना, स्टेट ऑफ नेचर में तो वहां पे हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता था. दे यूज टू फाइट विद ईच अदर एंड देयर वाज नो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, लॉब की स्टेट ऑफ नेचर में हर तरफ एनार्की, क्या कॉन्फ्लिक्ट था, तो वर दे अ सोसाइटी? कोई सोशल नॉर्म नहीं थी. देयर वाज नो सेंस ऑफ गुड एंड बैड एट ऑल. नो, जहां माइट इज राइट हो वहां नॉर्म तो हो ही नहीं सकती ना. दैट वॉज अ कंडीशन. तो हॉब्स की स्टेट ऑफ नेचर प्री पोलिटिकल भी थी, प्री सोशल भी थी. लेकिन लॉक की स्टेट ऑफ नेचर प्री पॉलिटिकल तो है, लेकिन प्री सोशल नहीं है. मतलब सोशल थी.
हाँ, लॉक सिटी का नेचर वॉज प्री पोलिटिकल बट सोशल. ये रटल करने का कोई फायदा नहीं होगा, समझ के करेंगे तो ज्यादा समझ आ जाएगी. प्लीज इट्स सिंपल बिकॉज एवरीबडी कोऑपरेट विद ईच अदर, देयरफॉर द सोसाइटी एग्जिस्टेड. सोशली ऑर्गेनाइज थे लेकिन कोई पोलिटिकल अथॉरिटी नहीं थी उनके दरम्यान में. अब इसी पॉइंट से अगले पॉइंट पे चलते हैं. लॉक कहता है बिकॉज दे वर नॉट पोलिटिकली ऑर्गेनाइज एंड दैट वॉज द फर्स्ट मेजर ड्रॉबैक. कैसे ड्रॉबैक था? ड्रॉबैक ये था कि लॉक कह रहा, अब ये उसने कहा जब आबादी बढ़ती शुरू हुई, व्हेन द पॉपुलेशन ग्रू, तो पॉपुलेशन जी प्री पोलिटिकल मीन्स नो अथॉरिटी हु कुड डिसाइड, सिंपल, कोई पुलिस नहीं. अब मैं लॉक पे आ गया जी, वापस आ गया लॉक पे. लॉक के अंदर लॉक ने कहा कि लोगों के दरमियान में कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई ऐसा बंदा नहीं था जो उनके दरमियान में फैसले कर सकता, हु कुड डिसाइड एंड टेक डिसीजंस आर डिक्टेट. हाँ, सोशली ऑर्गेनाइज थे. लॉक ने कहा कि जब लोगों में कोई फैसला करने वाला नहीं था, कोई अथॉरिटी नहीं थी जिसकी चलती दोनों के ऊपर, डिफरेंट लोगों के ऊपर, तो फिर जब आबादी बढ़ना शुरू हुई, एज द पॉपुलेशन ग्रू, तो उसकी वजह से प्रॉपर्टी के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट बनना शुरू हुए लोगों में. द पीपल डिवेलप्ड डिस्प्यूट्स मेनली ओवर प्रॉपर्टी. कैसे? आबादी बढ़ने से पॉपुलेशन में कैसे हो जाता है? बड़ी सादा सी मिसाल है. वो घर, वो फैमिली जिसके अंदर वारिस ज्यादा हों, अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं. ऐसा होता है जहाँ वो बड़ी वजह हो सकती है, लालच भी कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, बट सम हाउ दैट्स ऑलवेज दैट्स वट हैपन्स. अच्छा, होता ही है. इसको मैं जरा मार्क्सिज्म के एंगल में लिखता हूँ. इफ देर इज मोर पीपल, यू नीड मोर प्रॉपर्टी फॉर फूड एंड यू नीड मोर प्रॉपर्टी टू लिव, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑन रिसोर्सेज. एग्जैक्टली गुरुतलन. उसका इम्पैक्ट क्या आया? जब आबादी बढ़ेगी, लिमिटेड एरिया होगा इरीगेशन का, जहाँ से, या ट्रीज कम होंगे जहाँ से वो खाते पीते होंगे, और डिमांड बढ़ती गई, सप्लाई कम थी, रिसोर्सेज कम थे, तो जिसकी वजह से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बनना शुरू हुआ. ये मेरी प्रॉपर्टी है या तुम्हारी प्रॉपर्टी है? आप एक बाप के तीन चार बच्चे होंगे, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया होगा कि ये लैंड कौन सी लेगा, वो कौन सी लेगा, बहनों को देना नहीं देना, जो भी पैट्रियार्की मैट्रियार्की की डिबेट्स हैं, समहाउ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड इमर्जिंग इन दोज टेरिटरीज. सो प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट बनना शुरू हुए लोगों के दरमियान में. जब प्रॉपर्टी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट बनना शुरू हुए, व्हेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड अकरिंग बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी, इंट्रा फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और इंटर फैमिली कॉन्फ्लिक्ट भी, दोनों सेंस में, व्हेन दिस थिंग स्टार्टेड हैपनिंग, तो अब लोगों में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कौन करवाए? हु शुड रिजॉल्व दोस कॉन्फ्लिक्ट्स? वाज देयर एनी पॉलिटिकल अथॉरिटी? वाज देयर एनी हायर अथॉरिटी हु कुड डिक्टेट देम? देयर वाज नो वन. देयर वाज नो जुडिशरी, देयर वाज नो लॉ, देयर वाज नो लॉ मेकिंग पर्सन, नो लॉ एग्जीक्यूटिंग पर्सन, कोई भी नहीं था. लोगों को ख्याल आया अब क्या करें, हमारे दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है. सो टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम, टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम, the people got together at one place, ek jagah pe ikatthe hue, and they spoke a contract. Log ek jagah pe ikatthe hue, unhone kya kiya? Unhone contract kiya aapas mein. They entered into a contract with each other. Rational the, samajhdar the, to ek jagah pe ikatthe hue is masle ko solve karte hain aur ek authority bana lete hain. And when they gathered at one place and they spoke a contract. अच्छा, ये contract verbal होगा या written होगा? Oral, verbal contract है जी. Verbal, verbal, written नहीं है. Written ancient time में उस वक्त लोग लिखना पढ़ना भी शायद नहीं जानते होंगे. सोच ही जा रहे हैं ना, imagination करी जा रहे हैं. अच्छा, लोगों ने एक जगह पे इकट्ठे हुए और contract किए. अब यहाँ पे log कहता है, ये log के लफ्ज़ है, उसने कहा दो contract हुए थे. Two contracts were spoken. One, लॉक की ये पॉइंट समझ आ गया तो समझ लें आपको डेमोक्रेसी समझ आ गई मॉडर्न. अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आया तो मॉडर्न डेमोक्रेसी समझ में नहीं आएगी.
जो आप सिविल लिबर्टी रिलेशन और बाकी चीजें पढ़ेंगे बाद में जाके वो आपको समझ नहीं आएंगी अगर आप ये नहीं पढ़ा तो। लॉक ने कहा दो कॉन्ट्रैक्ट हुए, पहला कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसने कहा लोग एक जगह पे इकट्ठे हुए एंड दे सेड, अब मैं उनके वर्ड्स कोट कर रहा हूं, एग्जैक्ट वर्ड नहीं होंगे उसी को मैं थोड़ा सा कुछ उसके वर्ड होंगे कुछ रिफ्रेज करूंगा कुछ आइडियाज है। उसने कहा पीपल गॉट टुगेदर एट वन प्लेस एंड दे सेड ईच पर्सन इज सेइंग, हर इंडिविजुअल बोल रहा है, वो कह रहा है आई सरेंडर माई राइट्स टू द कम्युनिटी एज अ होल ऑन द कंडीशन दैट यू डू द सेम, नॉट एग्जैक्टली बट सॉर्ट ऑफ। आई रिपीट दिस पॉइंट, लॉक ने कहा कि आई माई सेल्फ सरेंडर ऑल माई राइट्स नॉट टू अ मैन नॉट टू असेंबली ऑफ मैन बट टू द कम्युनिटी एज अ होल, तमाम लोगों को कलेक्टिव जैसे जो उनकी है कम्युनिटी की उसको सरेंडर करता हूं, बट एक शर्त है, कंडीशन क्या है, ऑन द कंडीशन दैट यू डू द सेम। साथ में बैठे हुए बंदे को कहा तुम भी ऐसा करोगे, उसने तीसरे को कहा, तीसरे ने चौथे को कहा, चौथे ने पांचवें को कहा, पांचवें ने छठे को कहा, ईच वन इज सेइंग टू ईच वन ऑफ देम दैट आई एम विलिंग टू सरेंडर द राइट्स ओवर मी, मैं राइट सरेंडर करने के लिए तैयार हूं अपना, किसको, यू ऑल कम्युनिटी एज अ होल, बट इस शर्त पे कि तुम अपने ऊपर भी राइट पूरी कम्युनिटी को दे दो। सो एवरीबॉडी सरेंडर्ड ऑल देयर राइट्स टू एवरीबॉडी एज अ होल। एग्जैक्टली फिजा, एग्जैक्टली मुस्तफा, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा उनको, दैट्स द पॉइंट। अच्छा अब सवाल यह है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और इस कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने अपनी सारी अथॉरिटी किसको दे दी, हु वॉज गिवन ऑल द अथॉरिटी, कम्युनिटी, कम्युनिटी को सारी अथॉरिटी दे दी गई। व्हेन कम्युनिटी वॉज गिवन ऑल द अथॉरिटी तो फिर एक प्रॉब्लम ये बना, अब कम्युनिटी तो एज अ होल कैसे गवर्न करेगी, कम्युनिटी कैन नॉट गवर्न इटसेल्फ, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा गवर्न करना, कम्युनिटी इज टू वास्ट एंड टू बिजी इन देयर ओन अफेयर्स, दे कांट ऑलवेज मैनेज देमसेल्व्स। तो फिर लॉक ने कहा इस कम्युनिटी ने एज अ होल अपने आप की गवर्नेंस के लिए फिर उन्होंने क्या किया, दे एंटर्ड इनटू अ सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया। द सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट वॉज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कम्युनिटी एज अ होल एंड दे चोज सम रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम देमसेल्व्स। द सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट वॉज बिटवीन द कम्युनिटी एंड द पीपल्स आर द कम्युनिटीज रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम विद इन देमसेल्व्स। कम्युनिटी में से कुछ लोग निकले, उन्होंने कहा आपके लिए हम हाजिर हैं, वी विल एंश्योर, वी विल वर्क ऑन यूर बिहाफ, वी विल एक्ट ऑन यूर बिहाफ एंड वी विल गवर्न। तो मैं अगर वर्ड्स बताऊं, एग्जैक्ट वर्ड्स अगेन नहीं होंगे, थोड़े से आइडियाज सुनिएगा। कम्युनिटी देन एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इट सेड we surrender our rights to the representatives on three conditions. One, it shall protect our life. Second, it shall protect our property. Third, it shall protect our liberty. They shall protect our life, property, and liberty. अक्सर किताबों में लफ्ज estate लिखा होगा, estate का मतलब property ही होता है। So they agree to surrender
to the representatives if those representatives were meant to protect their life, meant to protect their liberty, and to protect their property. Is there any... अब मेरा सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज, एक छोटा सा साजिद आपके सवाल से पहले. मेरा सवाल ये है, क्या इन तीन के अलावा कोई चौथा फंक्शन कर सकते हैं? लाइफ, प्रॉपर्टी, लिबर्टी. कैन रिप्रेजेंटेटिव डू एनीथिंग एल्स? दे आर मेड रिप्रेजेंटेटिव्स टू परफॉर्म दीज थ्री टास्क्स: प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी, एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी. दैट्स इट. दिस वॉज द सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, अब जरा सवाल हैं सर, अब इसी के ऊपर आते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट की इम्प्लीकेशन क्या हैं? लेट्स सी, अब इसको देखते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट की इम्प्लीकेशन क्या हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या हैं, इम्प्लीकेशन क्या हैं. पहला, द फर्स्ट वन, अब सुन लीजिएगा, फिर आपके सवाल में लूंगा इंशाल्लाह. First, this contract established a state. This contract in the name of state ban gayi. A state was created. Kaise? Ek political organization aa gayi. Matlab unme se ek ban gayi, authority ban gayi that used to govern. Ab mera sawal ye hai, state ka matlab hota hai political organization. State is the political community, political organization. और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मैंने बताया था, जहां पावर हेरार्कीकल, वर्टिकल हेरार्की होती है, ऊपर अथॉरिटी, ऊपर अथॉरिटी, ऊपर अथॉरिटी, ऊपर अथॉरिटी. सो सवाल यह है, इसमें लोगों के ऊपर अथॉरिटी किसके पास चलेगी? हु हैज अथॉरिटी ओवर पीपल? कम्युनिटी की हो गई और रिप्रेजेंटेटिव दो लोगों के ऊपर आ गए. कम्युनिटी भी आ गई एज अ होल और साथ रिप्रेजेंटेटिव भी. बट नाउ वर एवरीबॉडी इक्वल इन टर्म्स ऑफ पावर? No, they were not. People had less powers, the community got the powers, somehow state came into being, political organization ban gayi, state was established. Who is sovereign in the state? Sovereign kaun hai? Ab pata chalega sovereignty ka meaning kisko aata hai. Community hai, numanne ka, people hai, representatives hai. रिप्रेजेंटेटिव हैं नन. अच्छा, मैं एक छोटा सवाल दीजिएगा. सॉवरेंटी का मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी. सुप्रीम अथॉरिटी और सॉवरेंटी के ऊपर कुछ नहीं होता. ही इज ऑल ओवर, वो कंप्लीट है, उसके ऊपर कोई चेक नहीं होता. मेरा आपसे सवाल है, तो क्या सोसाइटी, कम्युनिटी ने जब अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया, तो क्या कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके ऊपर कोई चेक शामिल है? इज देयर एनी चेक ऑन देम? यस, कंडीशंस है, चेक. तीन शर्तें लगा दी गई. कम्युनिटी ने कहा तीन शर्तें हैं, आपने हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, आपने हमारी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है, आपने हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है. जिसके ऊपर शर्तें लगा दें वो सॉवरन नहीं हो सकता. सॉवरन as the unchanged authority, वो sovereign नहीं हो सकता. So representative तो sovereign नहीं है. फिर कौन sovereign है? तो हम इसको कहते हैं community as a whole is sovereign. Why? Yes, it resides in the people as a whole, not individually. But देखिए, I surrendered all my rights. मैंने अपने ऊपर sovereign किसको मान लिया? As a whole, community को. Everybody had surrendered their rights to the community as a whole. So, इसको हम कहते हैं, the sovereignty was surrendered to the aggregate of the people. Community को, इकट्ठे लोगों को surrender कर दिया, किसी एक बंदे को नहीं. The community became sovereign, supreme authority. अच्छा, ये बात समझ आ रही है जी? Modern दौर में इसको कहते हैं popular sovereignty. In modern times, it is called popular sovereignty. Sovereignty lies with the people. America का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, we the people of the United States of America. इतना आसान कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है. सुनिएगा एक दफा फिर जरा प्लीज. लोगों ने पहला कॉन्ट्रैक्ट किया और पहले कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने कहा, मैं वर्ड्स रिपीट करूं, जरा गौर सुनिएगा प्लीज. उन्होंने कहा, we surrender
सॉरी हर बंदा कह रहा है आई सरेंडर ऑल माई राइट्स नॉट टू वन पर्सन नॉट टू फ्यू पीपल बट टू द कम्युनिटी एज अ होल. हर बंदा अपने राइट्स किसको सरेंडर कर रहा है? कम्युनिटी को. और अगर आप जिसपे राइट सरेंडर कर दें क्या उसे सावरन नहीं कहते? सावरन वही होता है जिसके पास तमाम इख्तियार चले जाते हैं. हु हैज बीन गिवन ऑल द अथॉरिटी ऑल द पावर्स दैट इज कॉल्ड द सावरन. सो यहां पे तमाम लोगों ने सब अपने इख्तियार दे दिए कम्युनिटी एज अ होल को तो कम्युनिटी बन गई सावरन. जी किंजा इसी का हुआ एग्जैक्टली. आयशा सॉवरेंटी आल्सो इंक्लूड्स टेरिटरी. सॉवरेंटी इंक्लूड नहीं होती टेरिटरी में. सॉवरेंटी अप्लाई होती है ओवर टेरिटरी. सॉवरेंटी अप्लाई होती है टेरिटरी. सॉवरेंटी के अंदर टेरिटरी नहीं होती. इन मॉडर्न टाइम्स देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी. पॉपुलर सॉवरेंटी यस समझा. मैं आऊंगा जी सारे पॉइंट को रिपीट करूंगा. थर्ड पॉइंट पे जरा आ रहा हूं फिर आ गया. तो अच्छा ये स्टेट जो बनी थी देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में पीपल गॉट टुगेदर. लोग इकट्ठे हुए उन्होंने मिलकर अपनी अथॉरिटी सरेंडर की एक कम्युनिटी को. जब सावरन बन जाता है. अब मेरा सवाल जरा सुनिएगा. स्टेट के चार एलिमेंट्स बताए थे पॉपुलेशन टेरिटरी गवर्नमेंट सॉवरेनिटी. अब लोग तो पहले से मौजूद है. आबादी तो पहले से थी. कॉन्ट्रैक्ट से पहले भी थी. कॉन्ट्रैक्ट से पहले टेरिटरी भी मौजूद थी. कोई सावरन था इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट से पहले? वाज देयर एनीबॉडी हु इज सावरन? देयर वाज नो. कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कम्युनिटी को सावरन बना दिया तो आप पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज हो गए बिकॉज कुछ बन गए पावरफुल आम लोग हैं. सो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से क्या बन गई? स्टेट. दिस पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेयर सावरन वॉज कम्युनिटी इट मीन्स अ स्टेट वॉज क्रिएटेड. अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा. तो थर्ड पॉइंट मैंने कहा दिस कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट में लोगों ने स्टेट बनाई तो ये स्टेट नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? इट्स अ मैन मेड आर्टिफिशियल. फोर्थ पॉइंट आप जरा सोच के जवाब दीजिएगा सब अंडरस्टैंडिंग करके. मैंने कहा स्टेट केम इनटू बीइंग एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट. पहले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से स्टेट बनी या दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से स्टेट बनी? विच कॉन्ट्रैक्ट लेड टू स्टेट? चलो अब मैं एक्सप्लेन करता हूं जी. आंसर इज फर्स्ट. क्यों? Answer is first, let me explain why. Okay. पहले कॉन्ट्रैक्ट में each person is saying कि मैं अपने ऊपर सारे rights surrender कर रहा हूं community as a whole को. जब आपने सारे rights community को surrender कर दिए तो community बन गई sovereign और बाकी आवाम रह गए नीचे. इंडिविजुअली आप हो गए नीचे एंड पहले कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में सॉवरन स्टेट बन गई. सो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड स्टेट. दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में अब कम्युनिटी एज अ होल डेलीगेशन की फॉर्म में अपने में से कुछ लोगों को चुनती है और फिर कहती है आपने हमें गवर्न करना है और आपने हमारे तीन काम करने हैं. आपने हमारी लाइफ प्रोटेक्ट करनी है, आपने हमारी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करनी है और आपने हमारी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है. तो सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट ने अपने यानी अब कम्युनिटी ने अपने नुमाइंदे चुने और उनको इख्तियार दिया कि आपने ये तीन काम करने. दैट सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट. साथ आपने बिल्कुल ठीक लिखा. द सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड गवर्नमेंट. गवर्नमेंट से मतलब है वो लोग जो स्टेट के मामलात को जो स्टेट की पॉपुलेशन को लुक आफ्टर करते. गवर्नमेंट की डेफिनेशन ही है इट्स द एजेंसी दैट मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ द मासेस. जो अवाम के मामलात की देखभाल करें उसको हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कहते हैं.
The second contract was the contract between community and their representatives, and those representatives were to govern. And therefore, उन्हें govern करके तीन काम करने थे, life, liberty, property को protect करना था, and those representatives started ruling and they were called the government. अच्छा, अब मेरा इसको समझने के लिए आप जरा पाकिस्तान भी आइएगा प्लीज. ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, पेपर में लिखने के लिए नहीं कह रहा. आप और मैं MNA के लिए इलेक्शन के लिए वोट डालते हैं, वोट डू वी कास्ट वोट फॉर इलेक्शंस? हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं. कितने नुमाइंदे चुनते हैं नेशनल असेंबली में? हाउ मेनी नेशनल असेंबली मेंबर्स? टोटल मिलाकर 342 कर लें, ठीक है, 272 चुनते हैं, बाकी अपॉइंटेड होते हैं और टोटल बनके 342 बन जाते हैं. अच्छा, वो नुमाइंदे गवर्नमेंट कराते हैं एंड दे गवर्नर्स, ऐसा ही है क्या? स्टेट की तमाम पॉपुलेशन गवर्नमेंट का हिस्सा होती है? इज एवरी सिटीजन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट? नहीं. अभी अगर आप सरकारी मुलाजमत नहीं कर रहे तो आप स्टेट का हिस्सा नहीं, गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है. अभी आप प्राइवेट सिटीजन हैं. तो इसी तरीके से इसकी दफा तमाम आबादी कम्युनिटी एक तरफ और उनमें से कुछ लोग चुने और उनको कहा आप हमें गवर्न करो, तो वो कुछ लोग क्या कहलाते हैं? गवर्नमेंट. सो स्टेट की पॉपुलेशन, इट पिक सम पीपल एज गवर्निंग पीपल एंड द गवर्नमेंट वॉज एस्टेब्लिश. फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड स्टेट, सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड गवर्नमेंट. इसी को हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं. द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सोशल, द सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट. पहला कॉन्ट्रैक्ट सोशल है, मीन्स इट इज अमंग द पीपल. द सेकेंड इज नॉट अमंग द पीपल, इट इज बिटवीन द कम्युनिटी एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स, इट्स कॉल्ड गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पॉपुलेशन, एंड द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स. जो इंडिविजुअल्स बैठे थे, कम्युनिटी बैठी थी, उसका आपस में कॉन्ट्रैक्ट था. सो फर्स्ट वॉज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड वॉज द गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट. फाइव, इज दिस कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल और अनकंडीशनल? दोनों कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल है, और खासकर गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट तो कंडीशनल है, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने तीन कंडीशंस हैं एग्जैक्टली, लाइफ, प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी. सिक्स, इज इट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट? इट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. आप जरा सवाल बताइएगा, सुनिएगा प्लीज. वो डेमोक्रेसी जिसमें कम्युनिटी गवर्न्स इटसेल्फ थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. सिस्टम इन विच कम्युनिटी चूजेस इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स एंड गवर्न्स इटसेल्फ थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल कम्युनिटी डज नॉट चूज रिप्रेजेंटेटिव्स, रिप्रेजेंटेटिव चूज नहीं करते, बल्कि वो खुद को दे प्लेटो के टाइम पे, एग्जैक्टली असॉल्ट के टाइम पे, प्लेटो से बल्कि पहले के टाइम पे, और वो होती थी कि जहां कम्युनिटी रन्स इटसेल्फ, एग्जैक्टली कोई रिमाइंडर नहीं होते थे. अच्छा, मॉडर्न दौर में हमारे यहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है? इनडायरेक्ट है. तो अगर आपसे पूछे हु इज द पाइनियर और फाउंडर ऑफ द मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसका फाउंडर कौन है, तो क्या लिखेंगे? लाग भाई साहब थे. ही वॉज द वन हु वाज द फर्स्ट थिंकर हु हैव गिवन द थ्योरी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. इज इट क्लियर? सिंपल. अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट यूनिलैटरल है या बायलैटरल है? कॉन्ट्रैक्ट यूनिलैटरल है, बायलैटरल है? बायलैटरल है. True. Unilateral नहीं है, bilateral है, between the community and representatives. दो हैं. अच्छा, is it revocable or irrevocable? It is revocable. आप रिवोक कर सकते हैं. अगर फॉर एग्जाम्पल आपके रिप्रेजेंटेटिव आपकी लाइफ, प्रॉपर्टी, लिबर्टी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए.
आप आवाम की महंगाई नहीं रोक सकते, आप आवाम की जानो माल का तहफ़ नहीं कर सकते, आपको रिजाइन कर देना चाहिए। यही नारे लगते ना वार्डनों में। क्या है अच्छा, सो दिस इज रिवोकेबल जी, यस इट्स रिवोकेबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी कॉन्ट्रैक्ट। मैं दिस इज हिज थ्योरी जी, एंड यूजिंग दिस थ्योरी ही क्रिएट्स द कंडीशंस। मैं आपके सवालों पे जवाब पे आने लगा हूँ, बट दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट इन विच ही ट्राइड टू जस्टिफाई द पावर ऑफ पार्लियामेंट। इससे वाजे हो रहा है कि कम्युनिटी सावरन है और कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो पार्लियामेंट में हैं, एंड देयर फोर दे शुड हैव द पावर्स। इसमें कहीं बादशाहत नहीं है, जो अवाम जिसको चाहेगी वही गवर्न करेगा, उसके बाहर कोई गवर्न नहीं करेगा, बिकॉज पीपल आर सावरन इन स्टेट। दिस इज सिंपली सीरीज जी। अब मैं वन बाई वन क्वेश्चन में जाता हूँ, चैट बड़ी कर दीजिएगा ताकि मैं सबके सवालों का जवाब भी दे सकूँ जी। यहाँ पे क्लिक कर दें, ओके ग्रेट। इफ कंडीशन नॉट मेट जी जी नहीं नहीं साइड पे क्लिक करें, यहाँ पार्टिसिपेंट लिखा हो ना ऊपर 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 हाँ यहाँ पे बाहर बाहर इससे बाहर यहाँ पार्टिसिपेंट लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ ना, हाँ बस अब ठीक है ओके। बोर्ड पिक्चर छोड़ जाता हूँ जी। डॉक्टर साहद शाह आप कितने सारे सवाल हैं, आप मैं करता हूँ, मैं ले लेता हूँ पिक्चर सेंड करता हूँ। राइट टू रिवॉल्ट अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट बाय लॉ इफ द फार्मर वायलेट्स पीपल्स राइट्स इज एंटी thetic in some respect to the social context of other persons analyze this statement and explain ye contract revocable hai to abhi humne waise lock usko nahi padha hua ruso ko to hum usko padhenge to fir zyada clear ho jayega sath fir zyada main compare karunga abhi nahi karna cha raha usko examine the nature of the contract explained by lock revolving in the submission of civil society again agar aap khud dekhe sath ispe agar sawal dekhe to sath is sawal likha hua ji dusre wala नेचर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपाउंडेड बाय लॉ रिवॉल्विंग इन द सबमिशन ऑफ सिविल सोसाइटी। सवाल यही है कि इसमें जो सॉवरेनिटी है वो किस तरह कम्युनिटी की करता है। सिविल सोसाइटी से मतलब है पब्लिक, हाउ पब्लिक बिकम्स पावरफुल, दैट्स आइडिया। और पब्लिक कैसे पावरफुल होती है, बिकॉज ईच वन सरेंडर्ड टू द कम्युनिटी एज अ होल, एंड द कम्युनिटी देन चूजेज द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑल दैट, दैट्स आइडिया। लॉक वाज द फादर ऑफ द मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी कमेंट। सिंपल सा आइडिया है साथ, अगेन हमने चूंकि डेमोक्रेसी पढ़ना है बट सिंपल सा आइडिया है, इसके कॉन्ट्रैक्ट को लिखना है और बताना है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट से जो मॉडर्न दौर की डेमोक्रेसी है जो हमने पढ़नी है बाद में जाके, बट अगेन ये जो उसकी थ्योरी है ये सारी की सारी थ्योरी डेमोक्रेसी की ही थ्योरी बन जाती है। आपका मेरे ख्याल में 15-20 मिनट रह गए नमाज को, तो मेरे ख्याल में इतनी तो कजा नहीं होगी आप लोगों की, अगर आप इंतजार कर लें। Pre-political means when society was not politically organized. कौन से पॉइंट्स के नेम दोबारा रिपीट कर दूं दरबान? यस अमीर हमजा, यस आंसर इज यस। कॉन्टेक्स्ट का रिव्यू कर दूं जी। कॉन्टेक्स्ट बड़ा आसान से है, इंग्लैंड के अंदर उसके जमाने में, लॉक के जमाने में देयर वाज peace and Locke was a student of science and his parents and his friend belonged to Republicans. All these factors shaped his theory of the social contract. Yes, why not Sonia, you can definitely, you can make notes. Jinke sawal miss ho gaye ji chat upar chali jati hai, aap dobara post kar diya kare agar aapka naam miss ho gaya ho to. Examine wale question par sir criticize kar sakte hain, Jamshed ne pucha. Yes, you can criticize ji. What is liberty, Sajid? Liberty is freedom. Freedom to do whatever you like. How long are political science answers supposed to be? Amir Hamza, depend karta hai, but 6 pages ban jate hain average. Did this theory come before or after Glorious Revolution? This theory was given before Glorious Revolution. This was given before Glorious Revolution. But he continued to write even afterwards. Why is Locke called the father of indirect democracy when he merely gave speculation about the origin of democracy? Ghanma, dekhe, it was not a speculation, it was a theory.
एंड वी नो दैट देर आर थ्रीज ऑफ हिस्ट्री, यू नो हिस्ट्री के बारे में बहुत से लोग थ्रीज देते हैं. इट वॉज एन एजम्पशन विच वॉज एज्यूम्ड बट ऑब्वियसली नॉट टोटली एज्यूम्ड कंसिडरिंग द ह्यूमन नेचर दैट ही हैड, बिकॉज उसके टाइम पे पीपल वर लिविंग अ पीसफुल लाइफ. जब पीसफुल हो तो लोगों के बारे में आपका व्यू होता है कि दे आर गुड पीपल. उसने एज्यूम किया लोग अच्छे थे, फिर जब नए नए आए होंगे तो उन्होंने ये इस तरह से किया होगा. सो इनफैक्ट हम उसकी फादर इस चीज को मॉडर्न थ्योरी में कहते हैं कि थ्योरी हमेशा ही स्पेकुलेशन पे बेस करती है. सोशल साइंस की थ्योरी स्पेकुलेशन में कुछ ऑब्जर्वेशन, तो कुछ ऑब्जर्वेशन थी लोगों के हवाले से और उन लोगों की ऑब्जर्वेशन के वजह से ही हैड टू एज्यूम समथिंग. तो गवर्नमेंट इज वन ऑफ द फोर एलिमेंट्स ऑफ स्टेट. इफ देयर वाज नो गवर्नमेंट एग्जिस्टेड एट फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट देन हाउ द स्टेट वाज फॉर्म, बिकॉज फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट में जब सावरन बना लेते हैं अवैस, तो सावरन जिसको चाहे गवर्नमेंट की अथॉरिटी दे दे. सावरन जब बन जाता है तो गवर्नमेंट बिकम्स द अथॉरिटी ऑफ द सावरन. वो चाहे गवर्नमेंट को खत्म कर दे, चाहे वो गवर्नमेंट को रख ले. तो सावरन होना जरूरी है, गवर्नमेंट ना भी हो तो चल जाता है. मेरी आवाज आ रही होगी लेकिन मेरे साथ मस्त है कि क्वेश्चन में पढ़ नहीं सकता. अब वो एक सेकंड रोकना पड़ेगा जी आप लोगों को, वो लाइट आ जाती है तो करने करेंगे. एक मिनट में लाइट आ जाएगी. मैं उधर से जवाब दे दूंगा, उधर से जवाब दे देता हूँ बैठ के लैपटॉप से. उधर से आवाज हेडफोन लगी. मैं कोई मसला ही नहीं. हाँ हो गया. और आपको बस 10 सेकंड और वेट करना है जी. नारे भुट्टो. ओके सॉरी जी, अब आपकी मुझे नजर आ गई. सर बायोग्राफी डजंट हैव टू बी मेंशन इन आंसर शीट. यस यू डोंट नीड टू राइट दैट. यस इट्स फाइन, राइटिंग आपकी डिपेंड करती है. बत्ती गई साद. यस यू कैन, थैंक यू. अभी मैं रेलेवेंस की बात नहीं कर रहा हमजा, वो रेलेवेंस का पार्ट अभी आएगा बाद में जब हम तीनों की थीरीज को कर लेंगे, फिर एक थोड़ा क्रिटिसिज्म और तीनों की रेलेवेंस की बात करेंगे. बट जस्ट एक आइडिया जरूर है. कोई सवाल रह गए तो प्लीज पूछिए. मैंने ऊपर शायद कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाया. और क्वेश्चन पब्लिक प्लीज, ताकि सबको समझ आ जाए. How could society be sovereign in first contact since there was a condition attached? क्या condition attached थी उमर? उसमें condition ये थी, हर बंदा दूसरे पे condition attached कर रहा है. Community पे कोई condition नहीं थी. Condition थी दूसरे इंसान के ऊपर थी कि तुम भी surrender करोगे. Community as a whole पे कोई condition नहीं है, तो इसलिए ये sovereign बन गई community. Community पे कोई condition नहीं है as a whole. सर थ्योरी एक्सप्लेन कर दें ब्रीफली. आई मिस्ड अ लॉट ड्यू टू कनेक्शन. प्लीज जब तक लाइट नहीं आती. आ गई है मरियम लाइट. सर क्वेश्चन इज नॉट डायरेक्टली आस्क्ड अबाउट थिंकर थ्योरी. विल देयर वी विल स्टिल राइट अबाउट व्हाट इन्फ्लुएंस्ड हिम टू राइट अ थ्योरी लाइक रस्किन ऑफिसर. यस वी विल राइट आशा, वी विल स्टिल राइट दैट. लॉ की थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन हाउ टू टैकल फियर. इजंट इट नो हमारा इसलिए बिकॉज ये बड़ा अच्छा सवाल है. लॉ की थ्योरी फियर के बारे में बात नहीं करती, इसलिए मैंने कॉन्टेक्स्ट दिखाया. उसके दौर में फियर था ही नहीं. देयर वाज पीस. इफ देयर वाज पीस, फियर था ही नहीं तो कैसे उसको जरूरत ही नहीं पड़नी उसकी. सो ही डिड नॉट डील विद द फियर बिकॉज देयर वाज पीस ड्यूरिंग हिज टाइम. अनम्यूट करें अवैस को. अवैस में देखता हूँ एक मिनट, पीछे कोई है? कोई नहीं है. अवैस एक मिनट में आपको अनम्यूट करता हूँ. तो कैन वी कंपेयर हिज थ्योरी टू हॉब्स? यू मस्ट कंपेयर हिज थ्योरी टू हॉब्स. बट कैसे करना है अभी हम रूसो को करेंगे, फिर मैं कंपेयर कर बताऊंगा तरीका. आई विल डू दैट लेटर ऑन. वालेकुम सर. गुड, खुद ही अनम्यूट कर दिया. जी अवैस. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस लॉ की थ्योरी में कंडीशंस दी गई थी जब रिप्रेजेंटेटिव्स को, तो ये हॉब्स में जब उन्होंने अपनी पावर्स को सरेंडर किया और दे दिया, तो वो वापस क्यों नहीं ले सकते थे? देखिए आप वापस तब ले सकते हैं जब आपने कोई शर्त रखी हो और अगली पार्टी ने वो शर्त पूरी ना की हो. हॉब्स की दफा जब सरेंडर किया गया था तो कोई शर्त रखी ही नहीं गई थी. उन्होंने कहा था बस हमसे आप हमें गवर्न करें, जैसे भी करें हमें गवर्न करें. देयर वाज नो कंडीशन अटैच, नो स्ट्रिंग्स अटैच. जब शर्त नहीं होगी तो रिवोक किस बुनियाद पे करेंगे आप? यहाँ पे शर्तें हैं, आपने लाइफ प्रॉपर्टी और लिबर्टी प्रोटेक्ट करनी है. अगर कोई शर्त पूरी नहीं होती
फिर आप कहेंगे आपने शर्त पूरी नहीं की, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म, आप चले जाए रिप्रेजेंटेटिव, हम नए रिप्रेजेंटेटिव लेकर आएंगे। वेलकम। ओके सर, थैंक यू। ओवर थर्ड पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, द थर्ड पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वॉज दैट जो लॉक है उसके जमाने में उसके जो दोस्त था विक्स पार्टी का हेड एशले कूपर और उसके जो पेरेंट्स थे दे वर ऑन द साइड ऑफ द रिपब्लिकन्स, तो उन्हीं के असर में आके ही ऑल्सो रोट इन डिफेंस ऑफ द पार्लियामेंट एंड रिपब्लिकन्स। हॉरिजॉन्टल हायरार्की का मतलब, हॉरिजॉन्टल हायरार्की नहीं होती, हॉरिजॉन्टल इक्वल होता है, इक्वल। वर्टिकल हायरार्की का मतलब होता है ऊपर ब्रिगेडियर, मेजर, मेजर लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, इसको हम कहते हैं वर्टिकल हायरार्की। ऊपर से ग्रेड 22, 21, 19, 18, 17 करते इसको हम कहते हैं वर्टिकल हायरार्की। पॉइंट फाइव ऑफ फीचर, पॉइंट फाइव था जी कंडीशनल, पॉइंट फाइव फीचर पूछा गया, दिस कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंडीशनल, और जो खासकर सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट वो कंडीशनल था, दैट रिप्रेजेंटेटिव्स हैव टू फुलफिल थ्री कंडीशंस, दे हैव टू प्रोटेक्ट द लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, अदरवाइज दे कैन बी डिसमिस। इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लॉक एंड लॉ थ्योरी दैट हॉब बिलीव्स इन एब्सोल्यूट पावर ऑफ गवर्नमेंट, लॉ बिलीव्स इन एम्पावरमेंट? एब्सोल्युटली मारिया, इसको मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है, वैसे कंपेरिजन में बात करूंगा, बट दिस कैन बी एब्सोल्युटली गुड कोर ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। दूसरे लफ्जों में हॉब्स वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, एब्सोल्यूटिज्म, लॉक इज द चैंपियन ऑफ द डेमोक्रेसी। इस्तीफा सर, आई कुडंट गेट इट, आर दे गिविंग थ्योरीज एट द टाइम दे वर प्रेजेंट एंड डायरेक्टली ऑब्जर्विंग, बट यू मेंशन दैट इन एंशिएंट टाइम्स, आई कुड गेट इट टू द रिलेशन एंशिएंट टाइम्स एंड थ्योरी। रिता जरा प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा जी, ये बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है, वो थ्योरी दे रहे हैं अपने वक्त के लिए, अपने वक्त में बादशाह को सपोर्ट करने के लिए या पार्लियामेंट को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए एंशिएंट टाइम्स लेकर आ रहे हैं। पहले भी किसी ने सवाल पूछा था, जरा सुनिएगा प्लीज। होता यह है कि मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा, मुझे जवाब दीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। ये मार्कर है, ये मार्कर ने क्या काम करना है, तो हमें देखना पड़ेगा ये मार्कर बनाने वाले ने इसको बनाया क्यों था, मार्कर बनाने। अब प्लीज आप लोग टाइप करें ना, आप लोग टाइप जरूर करें कि मेरी चीज सुन लें, फिर आप प्लीज टाइप कीजिएगा। ये मार्कर है, ये मार्कर बनाने वाले ने इसको एक खास मकसद के लिए बनाया होगा, आप और वो मकसद इसके ऊपर लिखा होता है। अगर आपको ये मार्कर पहली दफा नजर आ जाए और आपको समझना है क्या करना है, आप इसके मैनुअल पे जाते हैं। बनाने वाले ने जब पहली दफा इसको बनाया था तो उसने किस मकसद के लिए बनाया था, और उसी मकसद के तहत आप उसको इस्तेमाल करते हैं। अब मसला ये है, दो कंटेंडर ऑफ पावर है हाब्स के जमाने में, एक बादशाह कहता है मेरे पास इख्तियार हो, लॉक कहता है मेरे पास इख्तियार हो, और सॉरी पार्लियामेंट कहती है मेरे पास इख्तियार हो, आवाम के नुमाइंदे कहते हैं मेरे पास इख्तियार हो, बादशाह कहता है मेरे पास इख्तियार हो, दो कंटेंडर है, किसकी सुनी जाए? तो हाफ दो लाख ने एक कहा, देखते हैं जब शुरू में पहली दफा स्टेट बनी थी कौन हुक्मरान था, हु गॉट द पावर, किसके पास इख्तियार था, तो जिसको पहले लोगों ने इख्तियार दे दिया उस हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे। लेट्स गो बैक इन टू द हिस्ट्री। तो उन्होंने फिर एज्यूम किया कि तारीख में शुरू में जब नए नए लोग आए होंगे तो उस वक्त इख्तियार किसको दिया था, तो उन्होंने फिर कहानी बनाई कि जी लोग अच्छे थे या बुरे थे, उन्होंने कहानी बनाई कि स्पीड ऑफ नेचर कैसी थी, और उससे अंदाजा लगाया। हाब ने कहा चूंकि उस वक्त बादशाह को सरेंडर कर दिया गया पुराने जमाने में, और उस सरेंडर में कह दिया गया कि अब हम आपको रिवॉल्ट नहीं करेंगे, अब आपने हमेशा गवर्न करना है, हमें बस आपकी आशीर्वाद चाहिए, यू शुड जस्ट गवर्न अस, यू आर सॉवरन, वी आर नॉट हैविंग एनी कंडीशंस, तो फिर इसका मतलब है कि अब भी गवर्नमेंट बादशाह की ही होनी चाहिए। इट्स द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। और फिर लॉक ने कहा कि नहीं, पहले जमाने में लोगों ने सावरन बादशाह को नहीं बनाया था, वो तो कम्युनिटी सावरन थी, कम्युनिटी जिस रिप्रेजेंटेटिव को चाहे बना दे, जब चाहे रिप्रेजेंटेटिव को हटा दे, कम्युनिटी इज सावरन, कोई एक बंदा सावरन नहीं था। अगर उस वक्त नहीं था तो अब भी सावरन नहीं हो सकता, सावरन वंस इज सावरन फॉरएवर, वो आज भी सावरन है, उसी के जरिए से वो गवर्न करेगा। दिस इज हाउ ही लिंक्स इट विद द हिस्ट्री। देयर इज ओनली अस्यूमिंग द कंडीशन दैट जी दैट्स ट्रू। Why Hobbes influenced by Machiavelli? Why? Yes, Hobbes was influenced by Machiavelli. Absolutely, Hobbes was definitely influenced by Machiavelli. और मेरा थ्योरीज लोगों के लिए थी भी नहीं ना, ये थ्योरी आम लोगों के लिए थोड़ी होती थी उस वक्त, पढ़ना लिखना कितने लोग जानते होंगे, ये किताबें कौन पढ़ता होगा, आजकल कोई नहीं पढ़ता, उधर कौन से पढ़ते होंगे। These books were only theories were written for only intellectuals, not for ordinary people. आम लोग तो आम लोग होते हैं, आवाम होते हैं, और ना सीएसएस होता था exactly. Is there any element of patriotism and justice in this city? No.
नन। और कुछ लोगों के सवाल थे जी, प्लीज सॉरी मैं बोलते हुए फिर भूल जाता हूँ। नहीं मेरे पास कोई स्लाइड नहीं है साकिब, या सॉरी आकिब, मेरे पास स्लाइड कोई नहीं है। आई डोंट हैव एनी स्लाइड। मैं ये सामने स्क्रीन लगी है आपकी, डीपीएस लगी हुई है अच्छी बुरी जो भी है, और कैमरा लगा हुआ है। मैं तस्वीर भी जा देता हूँ। इस कंस्ट्रक्शन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, असद थैंक यू फॉर असिंग गुड क्वेश्चन। इसको कहा जाता है बट डोंट कंपेयर द कंस्ट्रक्शन विद दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नो इट्स नॉट। फेडरेशन में जो कंस्ट्रक्शन होता है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कैसे होता है ये हम फेडरेशन में जाके पढ़ेंगे। बंद असद बहुत बहुत बोल। हमजा ने पूछा सर इन हाफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज देयर एनी इंप्लाइड कंडीशन ड्यूटी ऑफ सिक्योरिटी। यस इंप्लाइड है हमजा, एक्सप्लिसिट नहीं है। एग्रीड एग्रीड, बट इंप्लाइड है, एक्सप्लिसिट नहीं है। एब्सोल्युटली मारिया, एब्सोल्युटली यू आर राइट के जो हाब्स है उसके नजदीक स्टेट इज द एंड, पीपल आर द मींस। मैंने साजिद कहा यहां पे कंस्ट्रक्शन की बात नहीं करेंगे, कोई कंस्ट्रक्शन की बात नहीं करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ऑफ द फ्यूचर इज स्टेट अकॉर्डिंग टू हाब्स सॉरी लॉक द कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड स्टेट। कॉन्ट्रैक्ट में से स्टेट क्रिएटेड जी। लॉक्स थ्योरी इन्फ्लुएंस मेजर रेवोल्यूशंस इन यूरोप। शुड बी मेंशन दोज एग्जांपल्स। लॉक की थ्योरी ने इन्फ्लुएंस किया था जी, मेजर रेवोल्यूशन की बात तो नहीं करेंगे। लॉक की थ्योरी ने सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था, दे इन्फ्लुएंस द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688। उसका जिक्र नेक्स्ट क्लास में आएगा, नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में आएगा। और उसके बाद हिज थ्योरी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द अमेरिकन रेवोल्यूशन। यस बट डिटेल से अगर वो थ्योरी मॉडर्न दौर से रेलिवेंट, उसकी थ्योरी की रेलिवेंस क्या है फिर लिखेंगे, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। नो इट वोंट बी क्वेश्चन के हाउ लॉक थ्योरी चेंज द पॉलिटिकल सिस्टम इन यूरोप। पोलिटिकल एंड सोशल आर्गेनाइजिंग बोथ। यस यस दैट्स ऑल जी। आगे चले, शुड बी मूव। ओके गुड। अच्छा म्यूट कर दीजिए। What was artificial point? Artificial point means state was created by people, so it is artificial. Yes, Locke did influence French Revolution, but French Revolution पे ज़्यादा influence जो है वो रूसो का आता है। रूसो का आता है। Okay जी, let's move. हम रूसो पे चलते हैं। अरसलान लफ्स एंशियंट टाइम नहीं गए, अकॉर्डिंग टू लॉक इन स्टेट ऑफ नेचर कलर्स यूज करेंगे। एंशियंट टाइम कलर्स मैंने समझाने के लिए किया था, आप पेपर में नहीं करेंगे। इन स्टेट ऑफ नेचर, द स्टेट ऑफ नेचर वॉज प्री पोलिटिकल एंड देर वॉज सोशल पीपल, देर वॉज सोशल। इज इट क्लियर? कोई बात नहीं, टीचर का काम है जी गलतियां करना, कोई बात नहीं। मैं असल में समझाने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों। नहीं नहीं जाजेब, वो सिर्फ बायोग्राफी करना चाह रहा हूँ। रूसो, जे जे रूसो, टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही जी प्लीज। इंग्लिश मरियम, इंग्लिश में। ओके रूसो जी, रूसो वॉज बॉर्न इन 1712 एंड ही डाइड इन 1778। He was born in 1712 and he died in 1778. रूसो की he was born in Geneva, Geneva में पैदा हुआ। Geneva के कौन से मुल्क में है? Switzerland के अंदर। He was born in Switzerland, Geneva. When he was born, soon after his birth, his mother died. उसकी मदर की डेथ हो गई थी। And after some years, his father was imprisoned, he was jailed, and Rousseau along with his siblings was growing up with his paternal aunt. Phuphu ne pala usko, asan lafzon mein. He was grown up by his paternal aunt because mother shuru mein mar gayi thi, baap thode se baad jail gaya tha, aur his father was basically अ वॉचमैन, अ क्लॉकमैन, घड़ियां बनाने वाला था, एंड साथ पार्ट टाइम म्यूजिक और डांस भी करता था। और आप देखिएगा
जो लॉक है, सॉरी रूसो है, उसकी वो खुद भी बाय प्रोफेशन म्यूजिक भी बनाता रहा, कंपोज करता रहा, उसका वो भी एक रोल रहा है बड़ा। एनीहो, सो उसके मटेरियल आंट के पास था, बट एट द एज ऑफ 20, 20 साल का था जब ही वॉज पैट्रनाइज बाय अ लैंड लेडी। उस वक्त एक लैंड लेडी थी जी, देयर वॉज अ लैंड लेडी जो के जिसने पैट्रनाइज किया, शी प्रोवाइडेड सम फेवर्स टू रूसो, उसने कुछ फेवर्स भी दी रूसो को, एंड अंडर हर पैट्रनेज ही मूव टू पेरिस, वो पेरिस शिफ्ट हो गया। इन पेरिस ही कंटिन्यूड टू हैव अ पेटी जॉब्स, छोटी मोटी जॉब्स करता रहा, बट हिज लाइफ चेंज एट द एज ऑफ 37 ईयर्स। 37 ईयर्स की एज में उसकी लाइफ चेंज हुई, और वो चेंज इस तरह से हुई दैट एक ऐसे कंपटीशन अनाउंस किया गया, और उस ऐसे कंपटीशन के अंदर सवाल पूछा गया, अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड दैट वेदर डेवलपमेंट इन साइंस एंड आर्ट्स, वेदर डेवलपमेंट इन साइंस एंड आर्ट्स हैज कंट्रीब्यूटेड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ मोरलिटी अमंग द पीपल। मैं इस पॉइंट को फिर रिपीट कर रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक ऐसे आया था और ऐसे का थीम ये था कि क्या साइंस और आर्ट की डेवलपमेंट में जब हुई है, साइंस और आर्ट के अंदर जो ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट आई है, उससे इंसानी मोरलिटी पे क्या असर पड़ा है, हाउ इट हैज इफेक्टेड पॉजिटिवली और नेगेटिवली द ह्यूमन मोरलिटी। अच्छा, उस वक्त एवरीबडी वॉज सिंगिंग द स्लोगन्स फॉर साइंस, एवरीबडी वॉज हैप्पी विद साइंस, बट रूसो टुक एन अनकन्वेंशनल व्यू, ही टुक एंटायरली अनकन्वेंशनल ओपिनियन, एंड ही रोट एन एसे इन विच ही सेड नो, द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड आर्ट्स हैज करप्टेड ह्यूमन मॉरल्स, इंसानी मोरलिटी को एडवर्सली इफेक्ट किया है, करप्ट किया है इस डेवलपमेंट ऑफ साइंस और आर्ट्स ने। हमारे और आपके पेरेंट्स नहीं कहते, जब से मोबाइल फोन आया है अखलाकियात चली गई हैं, टीवी केबल ने सारे माशरे को तबाह करके रख दिया है, और ऊपर से हमारी गवर्नमेंट कहती है टिकटॉक ने तबाह कर दिया है। तो कोई भी साइंस आ जाएगी तो हमारे यहाँ होता है कि जी उसने माशरे को तबाह करके रख दिया है। दैट काइंड ऑफ आर्गूमेंट वॉज प्रेजेंट एट दैट टाइम, और रूसो ने कहा कि जी नहीं, ये जितनी साइंस है, ये जितनी डेवलपमेंट हो रही है, दैट हैज ब्रॉट मटीरियलिज्म, इट हैज ब्रॉट करप्शन, मॉरल करप्शन, पीपल हैव टर्न बैड। व्हेन यू आर अनकन्वेंशनल, जब आप डिफरेंट होते हो, यू विन द एसे कंपटीशन, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड टू रूसो, ही वन द एसे कंपटीशन बिकॉज ऑफ हिज अनकन्वेंशनल व्यूज। लेकिन यही प्रॉब्लम हुआ कि जब उसका ऐसे हिट हो गया और ही बिकेम वेरी पॉपुलर, और उसके वोल्टेयर और डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शन बनना शुरू हुआ, तो रूसो गॉट फेम एंड फॉर्चून, उसे शोहरत मिली, उसे पैसा मिलना शुरू हुआ, ही बिकेम रिच, एंड बट एट द सेम टाइम ही आल्सो फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। दोज हु वर फेवरिंग साइंस, हु वर फेवरिंग आर्ट्स, they also launched attacks on Rousseau's writings. So Rousseau then throughout his life wrote to defend his ideas. Koi naukri nahi ki, nasha dusron ke tukron pe palta raha. Everybody would support him, kabhi ek landlady, kabhi ek landlord, so they would all support him somehow, and throughout his life he spent his life in reading and writing, and most of his life was spent in writing in defense of his argument. Jo sabse important kitab uski hai wo hai Social Contract. उसका ऐसे तो था ही था, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क दैट ही प्रोड्यूस्ड इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स द नेम ऑफ द बुक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसकी थ्योरी शुरू करेंगे जी, और उसका कॉन्टेक्स्ट शुरू करेंगे, और उसका कॉन्टेक्स्ट होगा कंडीशंस ऑफ फ्रांस। फ्रांस की जो कंडीशंस थी, दे वर द रीजन व्हाई ही गेव द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बी सेफ, and see you probably tomorrow or day after tomorrow, whenever. Goodbye. Allah Hafiz.